अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं Google Pixel 3 का गेमिंग और ओवरऑल रिव्यू, और हम देखेंगे कि हाउ डज इट परफॉर्म, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी रहती है। कैमरा तो आप लोगों को पता है कि Google का कैमरा जो है वो ओवरऑल दुनिया में बेहतरीन कैमरे है, अगर फोटोग्राफी के रूप से देखा जाए। वीडियोग्राफी में इसके थोड़े वो इम्पैक्ट नहीं है जो आईफोन के हैं, क्योंकि आईफोन का जो सारा फोकस है वो वीडियोग्राफी पर होता है और बैलेंस होता है आईफोन आईओएस डिवाइसेस। तो आज हम करने वाले हैं एक Google Pixel 3 का, इसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है अपने वाईफाई से, और इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो अभी 40% है। तो हम गेम TDM वगैरह खेल के हम देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी देती है और बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि Google Pixel 3 तो है वो मेरा Sharp Echo R2, R3 और XZ3। तो उनके साथ हमने कंपैरिजन भी करनी है कि बैटरी इसकी कैसी रहती है उनके मुकाबले में। तो स्टार्ट करते हैं पबजी मोबाइल से। इस गेमिंग में अगर इसका प्लस पॉइंट देखा जाए तो इसमें टॉप और बॉटम दोनों पे स्पीकर्स हैं, जो कि बेहतरीन स्पीकर परफॉर्मेंस देंगे हमको। तो देखते हैं कि कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। लुक की अगर बात की जाए तो लुक में तो बेहतरीन लुक के साथ आती है, फ्रंट और बैक पे कोई वो वाला इशू नहीं है। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं TDM से, TDM खेलते हैं और देखते हैं कि इसमें TDM में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पहले ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HDR तक अल्ट्रा और अल्ट्रा HD का सपोर्ट इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम टिपिकली जो लोग खेलते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में, और बाकी तो जायरो की बात की जाए तो जायरो मैंने ऑन कर रखी है, क्योंकि मैं खुद जायरो प्लेयर हूँ तो ऑलवेज ऑन जायरो है, और चेक करेंगे कि जायरो की मैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। स्पीकर्स की अगर बात की जाए तो बेहद लाउड स्पीकर है, Sharp Echo R2 पे भी मैंने खेला है, आईफोन में भी खेला है, लेकिन इसके जो स्पीकर है मैंने कॉल करके भी चेक की थी, कॉल में भी इसके स्पीकर तकरीबन जो साथ में बैठा शख्स होता है वो भी सुन लेता है। तो स्मूथनेस की अगर बात की जाए तो स्मूथनेस है, लाजवाब स्मूथनेस है, साथ में जायरो के बीच अभी तक तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा, डिस्प्ले डिम हो गया, तो अभी तक परफॉर्मेंस सही दे रही है। परफॉर्मेंस तो ठीक हो रही है, अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझको हील कर दिया, नाइस, मैंने बदला ले लिया। अच्छा, अभी तक का परफॉर्मेंस में तो कोई इशू नहीं आ रहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। माशाल्लाह से
अच्छा, और जायरो की अगर बात की जाए तो मुझे जायरो में कोई डिले नहीं आ रहा, जो दूसरे स्मार्टफोन में कभी कभी डिले आती है ना, वो नहीं आ रहा। हाँ, हो गया। एक तो साउंड भी आ गया था, वो हो गया हेडशॉट। अच्छा, रेड टीम लीड में जा रही है और हमारे जो प्लेयर है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो इस मोबाइल का रिव्यू है। अच्छा तो इस मोबाइल का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं इसको अभी तरीके से रिलोडिंग। किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। नेड 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 नेड, चलो भागो। सही कह रहे बच्चों, मेरी हेल्प लो थी। तो अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, और रूम का टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वो भी ठीक है। आउच, सामने वाले लोंडे बड़े टाइट कर रहे हैं, पता नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ या वो जवान हो गए। अच्छा, अगर आपको आप लोगों को शोर आ रहा है बैकग्राउंड में, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, मेरे पीछे था और मैं आगे देख रहा हूँ। यार ये तो is about to win. Killing spree for the red team. एक मसला मुझे आ रहा है, वो कभी कभी स्क्रीन पता नहीं गर्म हो जाती है या कुछ हो जाता है, ये देखो फिर प्रॉपरली काम नहीं करता। Red team victory. अच्छा, तो अगर हीटिंग की बात की जाए तो मोबाइल थोड़ा हीट अप हो गया है, लेकिन कोई मसला। और जो हीट अप की वजह से जो मेन इशू आ रहा है वो स्क्रीन का कभी कभी काम छोड़ देना, और ये मैंने R2 और Exit 3 में भी ये इशू देखा था कि जब आप गेम खेल रहे होते और थोड़ी गर्म हो जाती है रिकॉर्डिंग या बग़ैर रिकॉर्डिंग के, अगर मोबाइल थोड़ा सा भी गर्म हो जाता है ना, तो कभी कभी वो जॉयस्टिक से आपकी उंगली हट जाती है। ये इश्यूज आ रहे जो मुझे कभी आईफोन में नज़र नहीं आए, और मैंने 6S पे भी खेला है, 6S जो कि अभी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें ये इशू नहीं आ रहा। बैटरी की अगर बात की जाए तो पैंतीस% बैटरी बच गई, एक TDM खेलने के बाद इसके 35% बैटरी रह गई। तो क्लासिक मैंने कल रात खेले थे इस पे, क्लासिक में जब आप लैंडिंग करते हैं तो लैंडिंग टाइम इसमें बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आते हैं, मतलब इतने फ्रेम ड्रॉप के आप खुद भूल जाएंगे कि मैं कौन सी डिवाइस पर खेल रहा हूँ। तो ये कुछ इश्यूज है जिनको मैंने डिस्कवर किया है इस की रिव्यू करने में। कल रात मैंने इस पे क्लासिक्स खेले, तो जब कभी कभी बंदे ज़्यादा हो या हॉट ड्रॉप हो तो उसमें इसके जो फ्रेम ड्रॉप से वो तक और जो FPS है वो तकरीबन 30 से भी नीचे आ जाती है, इतने ख़राब किस्म का लैग होता है जो कि, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा iPhone 6S इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर कैमरे की बात की जाए तो कुछ तो भाई कैमरे में इसका कोई तोड़ नहीं है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने कल रात लिए थे, ये
मतलब तकरीबन रात के 7-8 बजे का टाइम था, तो कंप्लीट डार्कनेस में इसकी ये परफॉर्मेंस है कि आप देख ले, ऐसा लगता ही नहीं कि रात का टाइम है, इसमें भी ऐसा नहीं लगता कि रात का टाइम है। और ये इसकी कैमरा की है, इसकी जो सॉफ्टवेयर है ये तकरीबन जिसका कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इतना बेहतरीन है जो को गूगल का अपना है, तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन है वो बेहतरीन है। तो उस वजह से ये अगर आप गेमिंग के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि डू नॉट गो फॉर दिस, इसके बजाय आप किसी और एंड्रॉयड जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना उसकी तरफ जा सकते हैं। 60 FPS का सोचकर इसकी तरफ ना जाइएगा क्योंकि इतने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा ये। और अगर आप इसको कैमरे के लिए ले रहे हैं तो कैमरे के लिए इसको, ये जो मैंने डिवाइस लिया है PTA पैच अप्रूव्ड है और ये मुझे 18,000 रुपये का मिला है। और अगर ऑफिशियल अप्रूव की बात की जाए तो वो तकरीबन 25,000 से 28,000 रुपये तक मिलता है। तो अगर आप कैमरा या ओवरऑल पर्सनल यूज़ के लिए रहे तो फिर ठीक है, बैटरी भी ठीक ठाक काम कर रही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ठीक है। लेकिन अगर गेमिंग के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं तो सो डू नॉट गो फॉर इट, गो फॉर समथिंग एल्स। तो लाइक 30,000 में या 20,000 की रेंज में अगर आप गेमिंग डिवाइस ले रहे हैं तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो कि देना चाहिए था। 845 स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट जो परफॉर्मेंस देते हैं उसकी रूप से अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं समझता कि उस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि इससे R2 जो परफॉर्म कर रहा था वो इससे बेहतर परफॉर्म कर रहा था, X3 भी इससे बेहतर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन दोनों में ये मसला है कि जब गर्म हो जाते हैं ना तो कभी कभी स्क्रीन वर्क नहीं करता। तो ये कुछ मेरे थॉट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं दूसरे कौन से डिवाइस इसका रिव्यू करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिमांड्स पे पूरा उतरूं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं, थैंक यू और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।